दही ले आवा, दो चम्मच खा ले। क्यों निमोनिया कराना है इस वेले? आज फैसल दी कॉल आई सी, असद दा व्याह है ना उन्नी नू। नसरीन आप भी आई सी सदा दें। फैसल रिक्वेस्ट कर रहा सी कि सेरा बंदी ते तुसी सेरा पढ़ना। सेरे हुण कौन पढ़ता है? पता नहीं, असद किसे दोस्त दे व्याह ते सुनाया है। वो कह रहा सी अंकल राहत ही ने जेड़े सेरा पढ़ सकते ने। मैं भी क्या ठीक है, पढ़ देना, बड़ा बाद अब बच्चा है, बड़ा ख्याल करता है। फरो फरकंदा सो जा पुत्र, सुबह ऑफिस जाना है। ताला ला जाना बारो। अच्छा जी। एक एक बंदा पूछ रहा सी तेरा, सारे याद कर रहे सन कि महफिल दी जान होंदी सी फरखंदा, अज वो भी मिली सी नसरीन दी वड्डी बाजी, उन्होंने उत्थे वो काड़े ब्याह किया ही ना अपने मामे वल, वो सुना रही सी तुसी सारियां गईयां अनारकली शॉपिंग लई ते उत्ते टांगा किसे दी गड्डी ते चढ़ गया। आओ जी बात तो बताओ।
अगर इंटरनेट से कोई वीडियो डिलीट करानी हो तो उसका क्या तरीका होगा? किस तरह की वीडियो? ऐसी जो किसी ने आपकी इजाज़त के बगैर बनाकर लगा दिया हो तो वो किसने डिलीट कर सकता? मैम अब तो साइबर क्राइम लॉ आ गया तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होना है? केस ही होते हैं मेरे ख्याल से, तो जिसने वीडियो लगाई होती है उसको सज़ा मिलती है। खुद ही जाकर केस कराना पड़ता है? जी जाना तो खुद ही पड़ता है। तुम हमेशा ऐसे ही खाते हो? जी सॉरी। भाई दिन तुम इसलिए यार कैसे सुबह से यहाँ परेशान कर रहे हो यार, ध्यान से काम करो यार। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि डिलीट हो जाए वीडियो केस के बगैर? रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिसके पास वीडियो सेव्ड है वो दोबारा लगा देगा। वैसे मैडम आपने किसकी वीडियो हटवानी है? किसी की भी नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। मैडम शो कर सकते हैं इस पर, बड़ा और टॉपिक है और मेरी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है, वो एक्सपर्ट है इस मामले में। आप ही जाएंगे बजट के बगैर, बात करो उनसे। लाहौर के सारे न्यूट्रिशनिस्ट का नंबर ढूंढा तुमने? अगले पूरे महीने वेट लॉस पर सेगमेंट करना। जी सत्तर हज़ार व्यूज हो गए ना यूट्यूब पे, हूँ की लौड़ है नाथ की वीडियो बनाने की। मतलब तुहाडे दूजे वाली वीडियो की गल कर रहे हैं, कसम चुका लो तुसी एंटर होए हो ना एकदम सेलिब्रिटी वाला फील आया। की स्किल है पर आजम नाता वाली एल्बम मुकानी ते है ना? मुका लो पर सच्ची गल करा बंदे नू वो कम करना चाहिदा है जिदे च वो सब तो अच्छा है। डांस तो अड़ा बेस्ट है। अब बकवास ना कर। क्यों है? इन्हें चंगा डांस करना मैं? तो और की कसम चुका लो। क्या हुआ, शादी पे नहीं जाना? नहीं। क्यों? तुम्हारी तो इतनी करीबी शादी है। मेरे ऐसे करीबी रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं जिनको छोटे बड़े का लिहाज ना हो। अंकल तो जाएंगे क्योंकि उनके नजदीक रिश्तों की अहमियत सबसे ज्यादा है, वो बाकियों की तरह नहीं। सारी जिंदगी उन्होंने सबसे इतना प्यार किया, इतना ख्याल रखा है और ये सिला मिल रहा है उनको। उसे साफ नजर आ रहा था कि वो कितना हर्ट हो रहे हैं सबकी बातों से। वहां सारे मस्खरे बने बैठे हुए थे। तो तुमने भी यही कहा था कि अंकल ने जो किया उसका अंजाम यही होगा, तो उसका अंदर मेरे बाप की मिट्टी पुली जायज है? मैंने उनको एहसास दिलवाने के लिए कहा था। जी अम्मी जी जी
मैं तुहानू कॉल करना बाद च जी अम्मी तुहानू बाद च कॉल करना जी अल्लाह हाफिज अपना आप बिल्कुल ही छोड़ दिया डॉक्टर साहब वाकर के बगैर चलने की कोशिश भी नहीं करती मोरों का टीबी इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है ये सिर्फ कमजोरी है मैं घर पे ना हूं तो खाना भी नहीं खाती कितने बच्चे हैं आपके 3 बेटियां हैं साथ रहती है नहीं जी शादीशुदा है एक बहरीन में है एक सऊदीया में और एक यही लाहौर में होती है मतलब आप ही संभालते हैं इनको हाँ जी तो आपको भी अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है आंखें देखें कितनी पीली हो गई हैं आपकी सारा कुछ तो मुझे ही खिला देते हैं डॉक्टर साहब मुझे बस बातें सुनानी होती हैं इन्होंने अपना कोई ख्याल नहीं रखते फिर तो आपको भी डॉक्टर की जरूरत है तुम लोग तो आते नहीं हो तो मैं आ गया अंकल आप फोन कर देते मैं खुद ही आ जाता घर नहीं घर पे नहीं कहीं और जाकर कर सकते हैं जी बिल्कुल अंकल आप कि मैं यहाँ पे वर्ण लेकर आता हूँ
बच आया हुआ है, चुप कर जाओ सारे। भेज दो तुम सबकी माँ को जाके, मैं बताती हूँ तुम्हें तो हलवा नहीं मिलने वाला। साथ वाली हलीमा का बच्चा है, मेट्रो के बाद शादियां करेंगे तो ऐसे ही बच्चे पालेंगे ना। अच्छी आ रही है।